नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निसान की टेरेनो और टाटा की नेक्सॉन को कंपेयर करने वाले हैं। वैसे तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। असल में टेरेनो को निसान की किक्स, ह्युंडई की क्रेटा या फिर रेनो की कैप्चर जैसी गाड़ियों के साथ में कंपेयर करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ प्राइस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए ये कंपैरिजन कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि टेरेनो नेक्सॉन से लगभग 1,95,000 रुपीस से लेकर 2,10,000 रुपीस तक महंगी आती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा जो प्राइस गैप है उसको क्या टेरेनो जस्टिफाई कर पाती है। हालांकि इस प्राइस डिफरेंस में मेजर रोल प्ले करने वाला फैक्टर ये है कि टेरेनो सब 4 मीटर कार नहीं है, जिसकी वजह से इस पर लगने वाले टैक्स का इस प्राइस गैप में एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सस्ती होने के बावजूद भी क्या नेक्सॉन हमें कोई वैल्यू, एडिशनल फीचर्स और सेफ्टी ऑफर करती है। तो चलिए, अगर आपके जहन में भी इन दोनों गाड़ियों के बारे में कोई सवाल है तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। टेरेनो का हाल इतना बुरा है कि दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक इन 3 महीनों में सेल्स की अगर हम बात करें तो डस्टर बेस एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इन 3 महीनों में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। और उससे पहले के 3 महीनों में हर महीने केवल एक यूनिट ही बिकी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी प्राइसेस कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो आइए कंपेयर करते हैं निसान टेरेनो और टाटा की नेक्सॉन को और जानते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। पेट्रोल में टेरेनो में केवल एक ही वेरियंट आपको मिलता है, वो भी मैनुअल में आएगा, जो आपको मिलेगा 9,99,900 रुपीज़ का। स्क्रीन पर मैंने दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग दे दी है। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि टेरेनो पेट्रोल में नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट से 60,000 रुपीज़ सस्ती आती है और डीजल में मैनुअल में 2,10,000 रुपीज़ से लेकर AMT में 1,95,000 रुपीज़ तक महंगी आती है। चलिए अब मुड़ते हैं दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में टेरेनो नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी है और इसीलिए जाहिर सी बात है कि इसमें आपको केबिन के अंदर और बूट में नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा स्पेस मिलेगा। बूट की बात हो ही रही है तो लगे हाथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि टेरेनो में आपको 475 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और नेक्सॉन में केवल 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन्स के बारे में। टेरेनो में आपको मिलता है 1.6 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 104 PS की पावर जनरेट करता है 5,850 RPM पर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3,750 RPM पर। वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 5,500 RPM पर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4,000 RPM पर। डीजल की जहां तक बात है तो टेरेनो में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है और 3,900 RPM पर और 248 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 2,250 RPM पर। वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 4,000 RPM पर और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है
1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस के बारे में। तो टेरानो में आपको मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 5.2 mm का टर्निंग रेडियस, जो कि केवल 0.4 mm कम है नेक्सॉन में मिलने वाले 209 mm ग्राउंड क्लियरेंस से और 0.1 mm ज़्यादा है नेक्सॉन के 5.1 mm टर्निंग रेडियस के मुकाबले में। अगला पहलू है दोस्तों दोनों गाड़ियों का वज़न, जिसे जानकर आप एक बेसिक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। टेरानो का वज़न है 1264 किलोग्राम से लेकर 1303 किलोग्राम्स तक, वहीं नेक्सॉन का वज़न है 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 44 लीटर की फ्यूल टैंक और टेरानो में आपको मिलेगी 50 लीटर की फ्यूल टैंक। फ्यूल की जहां तक बात हो ही रही है तो लगे हाथ इन दोनों गाड़ियों की माइलेज भी जान लेते हैं। नेक्सॉन में आपको कंबाइन माइलेज यानी कि पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब की मिला के कंबाइन माइलेज आपको मिलेगी 17 kmpl से लेकर 22 kmpl तक, वहीं टेरानो आपको ऑफर करेगी 13 kmpl से लेकर 20 kmpl तक का माइलेज। व्हील्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉयज देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन मिलते हैं। जो फीचर्स अब मैं बताऊंगा, इनके अलावा भी अगर इन दोनों गाड़ियों में कोई और कॉमन फीचर है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फीचर की जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलता है, वो है रूफ रेल्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेंगी। रियर स्पॉइलर विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVM मिलेंगी विथ टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 7 इंचेस टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पर दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर का फीचर भी मिलता है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको ABS प्लस EBD प्लस ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग्स भी कॉमन मिलते हैं। उसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विथ कैमरा और पावर स्टीयरिंग विथ टिल्ट ऑप्शन, ये फीचर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा और हिल असिस्ट कंट्रोल का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो टेरानो में आपको ऑफर किए जाते हैं पर नेक्सॉन में ये आपको नहीं मिलेंगे। वैसे तो ये फीचर नहीं है क्योंकि टेरानो में आपको 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं नेक्सॉन में केवल 350 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शायद ही कोई फीचर होगा जो आपको टेरानो में मिलेगा लेकिन वो फीचर नेक्सॉन में ना मिले। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई भी फीचर आपको नज़र आता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन सारे फीचर्स की जो दूर दूर तक आपको टेरानो में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। अगला फीचर आपको नेक्सॉन ऑफर करेगी मल्टी ड्राइव मोड्स। लगभग टाटा की हर एक गाड़ी में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। नेक्सॉन आपको ऑफर करती है इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मल्टी ड्राइव मोड्स। अगला फीचर नेक्सॉन ऑफर करेगी वो है रेन सेंसिंग वाइपर्स। उसके अलावा नेक्स्ट इज 4 कैरी बैग हुक्स इन बूट एंड इनसाइड द केबिन नियर फ्रंट को पैसेंजर फुटवेल एंड ऑन बी पिलर्स, जो आपको टेरानो में नहीं मिलते हैं। नेक्सॉन में आपको 15 लीटर का यूनिकली डिज़ाइन मल्टी यूटिलिटी कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर, वॉलेट होल्डर, पेन होल्डर एंड क्रेडिट कार्ड और विजिटिंग कार्ड होल्डर। अगला फीचर दोस्तों अब ये भी टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको मिलेगा, जो कि है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। वैसे तो एक फीचर नहीं है लेकिन इसे देखते वक्त
डैशबोर्ड का लुक्स थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और ड्राइवर को अपनी सीट पर आने जाने के लिए थोड़ी आसानी ज़्यादा बेहतर होती है। अगला फीचर जो आपको नेक्सॉन ऑफर करती है वो है अम्ब्रेला होल्डर्स इन बोथ फ्रंट डोर्स। नेक्स्ट इज ड्राइवर फुटरेस्ट डेड पेडल। अगला फीचर नेक्सॉन आपको ऑफर करती है पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर। नेक्स्ट इज नेक्सॉन के साथ में आपको एक स्मार्ट वॉच की तरह स्मार्ट वियरेबल की मिलती है। नेक्स्ट इज नेक्सॉन कम्स विथ एक्सप्रेस कूल फीचर फॉर फास्ट एसी कूलिंग जो आपको टेरेनो में नहीं मिलेगा। अगला फीचर है दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है और बेसिक कॉमन फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे AM, FM, USB, ऑक्सिन, आईपॉड, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन नेक्सॉन का 7 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम कम्स बाय द हार्मन कार्डन अलॉन्ग विथ 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स जिसकी वजह से अपनी म्यूजिक क्लैरिटी की वजह से ये यहाँ पर बाजी में मार ले जाता है। इसके अलावा इस म्यूजिक सिस्टम में आपको कॉल लॉक्स का फीचर मिलता है जो कि इनकमिंग, आउटगोइंग और मिस कॉल्स का ऑप्शन आपको देते हैं। कॉल रिजेक्ट विथ SMS अलर्ट का फीचर भी मिलता है और कॉल कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन भी आपको इस म्यूजिक सिस्टम में मिल जाता है। नेक्स्ट इस म्यूजिक सिस्टम के साथ में आपको इमेज एंड वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्सॉन में आपको IRA टेक्नोलॉजी मिलती है फॉर कनेक्टेड फीचर ऐप। नेक्स्ट दोस्तों नेक्सॉन आपको कार लाइव लोकेशन ट्रेसिंग का ऑप्शन भी ऑफर करती है, ये फीचर भी आपको टेरेनो में नहीं मिलेगा। नेक्सॉन में आपको डे नाइट IRVM देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो भी फीचर्स मैं बताऊंगा वो नेक्सॉन के सारे सेफ्टी फीचर्स है जो दूर दूर तक आपको टेरेनो में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्सॉन आपको ऑफर करती है ब्रेक डिस्क वाइपिंग। उसके बाद में आपको नेक्सॉन में मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का फीचर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक्शन कंट्रोल। अगला फीचर नेक्सॉन ऑफर करती है रोल ओवर मिटिगेशन। नेक्स्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज ग्लोबल NCAP 5-star सेफ्टी रेटिंग्स आपको नेक्सॉन के साथ में देखने को मिल जाएगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर की। तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी, वहीं टेरेनो में आपको मिलेगी केवल 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल हमने जाना कि निसान टेरेनो नेक्सॉन से बड़ी भी है और महंगी भी है, लेकिन फिर भी कई सारे मॉडर्न एज और अप मार्केट फीचर्स इसमें मिसिंग है जो इसे एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, और सस्ती होने के बावजूद भी वो सारे फीचर्स नेक्सॉन आपको ऑफर करती है। बेशक टेरेनो में आपको एक बड़ी गाड़ी और ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, वहीं नेक्सॉन डे टू डे रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल यूटिलिटी स्पेसेस को बेहतर तरीके से ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस दोनों ही गाड़ियों में बराबर है, लेकिन नेक्सॉन का इंजन बेहतर पावर फिगर्स और माइलेज ऑफर करता है। इसके अलावा नेक्सॉन में कई सारे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, बेहतर वारंटी ऑफर भी मिलता है, साथ में आती है ग्लोबल NCAP 5-star सेफ्टी रेटिंग्स। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि निस्सान को टेरेनो का मॉडर्न एज अप मार्केट फीचर्स के साथ में न्यू जनरेशन लॉन्च करना चाहिए। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों में से अपने लिए कौन सी कार लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।